बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज तक आप लोगों ने दूसरे क्लाइंट्स और वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल लिखकर पैसे कमाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पर आप अपने लिए आर्टिकल लिखेंगे और उसके ज़रिए आप पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। आर्टिकल लिखकर पैसे कमाने के जितने भी मेथड्स हैं उसमें ये सबसे फास्टेस्ट वे है। इसमें पहले दिन से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके बाद आप जितना ज़्यादा राइट करेंगे, जितने ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग इंक्रीज होती जाएगी और आपकी पैसिव इनकम जनरेट होगी। पैसिव इनकम का ये मतलब है कि एक बार आपने एक आर्टिकल लिख लिया, उसके बाद लाइफ टाइम उसके थ्रू आपकी अर्निंग होती रहेगी। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, उस आर्टिकल के थ्रू आपकी अर्निंग जनरेट होती रहेगी और आपकी अर्निंग इंक्रीज होती रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस काम को करने के लिए ना ही आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं। ना तो आपको किसी एजुकेशन की जरूरत होगी, ना ही आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप यहाँ पर काम करके पैसे कमा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी सारी अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में आपको दी जाएगी। गूगल का ही 100% लेजिट प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म है और इस पर काम किस तरह से करना है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। इसलिए वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी बहन को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हम साथ मिलकर अर्न कर सकें। सबसे पहले हम गूगल की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे चैट जीपीटी, और ये वाला चैट जीपीटी आपने ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी के दो वर्जन है, एक 3.5 है और GPT-4 है। GPT-4 पर हम काम नहीं करते, हम 3.5 पर करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि चैट जीपीटी तो पेड है, तो फिर चैट जीपीटी से कैसे आर्टिकल लिखवाएंगे, तो इसीलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ कि चैट जीपीटी 3.5 बिल्कुल फ्री है। आप जितने चाहें इससे आर्टिकल जनरेट करवा सकते हैं, ये आपसे कोई चार्जेस नहीं मांगेगा। अब हम नीचे सर्च बार पर लिखते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और हम इससे ये बात पूछते हैं। अब देखें ये हम इसका क्या आंसर देता है। इसका पूरा आंसर निकाल कर दे रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और उसके अंदर क्या क्या काम किया जाता है, किन चीज़ों से रिलेटेड होती है, ये पूरी डिटेल हमें लिख कर दे रहा है। यहाँ पर इसने डिटेल में हमें इसका आंसर निकाल कर दे दिया है और उसके सारे पॉइंट्स भी बता दिए हैं, जो टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की, वो भी सारी चीज़ें इसने हमें बता दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप लैपटॉप से यूज़ करें तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला आपका कंटेंट कॉपी हो जाएगा। जो लोग मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्टली इसको ड्रैग करके कॉपी करेंगे इस तरीके से, और जो लोग लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं वो इस वाले फीचर को यूज़ करके इससे कॉपी कर सकते हैं। अब आप आ जाएंगे गूगल की तरफ और यहाँ पर आप सर्च करेंगे स्पिन बॉट, ये आप लिखेंगे और ये वाली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है जो सबसे ऊपर रैंक कर रही है। ये स्पिन बॉट की वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। बिल्कुल देखकर सही वेबसाइट ओपन कीजिएगा, वरना आप लोग गलत वेबसाइट ओपन कर लेते हैं फिर परेशान हो जाते हैं। इस तरह के दो बॉक्सेस आपके सामने आएंगे अगर आप लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दो बॉक्सेस आपके सामने आएंगे। सारा काम मोबाइल से हो जाता है। आज मैं आपको लैपटॉप के थ्रू इसलिए सिखा रही हूँ कि आपको सही तरह से समझ आए, अदरवाइज आप सारा काम मोबाइल से कर सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल से सारा काम हो जाता है। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि तमाम काम मोबाइल पर किया जा सकता है। अब ये पहले वाले बॉक्स के अंदर जहाँ पर लिखा है पेस्ट टेक्स्ट, यहाँ पर आपने अभी जो कॉपी किया था वो पूरा टेक्स्ट पेस्ट कर देना है। हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे, ये पूरा यहाँ पर पेस्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं पूरा डेटा जो हमने कॉपी किया था वो तमाम डेटा यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब हम नीचे क्लिक करेंगे बेसिक स्पिन पर। बेसिक स्पिन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें इसको नई वर्डिंग्स के अंदर लिख कर दे देगा और हमारे पास सेम मीनिंग्स के साथ एक नया आर्टिकल तैयार होकर आ जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते और एक वक्त में आप 10,000 वर्ड्स का आर्टिकल यहाँ से स्पिन करवा सकते हैं। यहाँ पर इसने हमें स्पिन करके दे दिया है और आप देख सकते हैं कि पहले हमारा आर्टिकल था डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल चैनल्स, और अब इसने स्पिन करके लिख कर दिया है कंप्यूटराइज शोकेसिंग एलियट टू द यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांस चैनल। बिल्कुल वर्डिंग्स चेंज हो गई, मीनिंग सेम रहेगा, वर्डिंग चेंज हो जाएंगी, इसलिए आर्टिकल नया हो जाएगा। अब हमने इस आर्टिकल को चेक करना है। चेक कहाँ पर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम आ जाएंगे दोबारा से गूगल की तरफ और यहाँ पर हम सर्च करेंगे जीरो जीपीटी। ये वाली जीरो जीपीटी की वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। देखकर सही वेबसाइट ओपन कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
जीरो जीपीटी ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये एक ऐसा टूल है जो कि आपके टेक्स्ट को चेक करता है और उसकी एआई डिटेक्शन बताता है और उसका प्लेजरिज्म भी चेक करके बताता है। हम वापस आते हैं स्पिन बोर्ड की तरफ और अभी जो इसने हमें स्पिन करके दिया था वो वाले आर्टिकल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये वाला टेक्स्ट जो अभी स्पिन होकर हमारे पास आया है वो कॉपी हो जाएगा। ये यहाँ से कॉपी हो गया। अब हम आएंगे जीरो जीपीटी की तरफ और जहाँ पर लिखा है एंटर टेक्स्ट टू चेक फॉर एआई एंड चैट जीपीटी प्लेजरिज्म, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया, जो अभी हमारे पास आया था स्पिन होकर वो वाला हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। नीचे लिखा हुआ है डिटेक्ट टेक्स्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब ये इसको चेक करके बताएगा कि इसके अंदर कितने परसेंट एआई डिटेक्शन हो रही है और कितने परसेंट इसके अंदर प्लेजरिज्म है, ये चीजें ये चेक करके बताएगा। नीचे आ जाते हैं, इसे चेक करके बता दिया है योर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटन 0% एआई जीपीटी। अब ये टेक्स्ट बिल्कुल ह्यूमन रिटन है, इसके अंदर कोई एआई डिटेक्शन नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर ना कोई प्लेजरिज्म है ना कोई एआई डिटेक्शन है, हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं, इस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। ये काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर 1% भी एआई डिटेक्शन या प्लेजरिज्म होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा और उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए आपने ये पूरा प्रोसीजर जो अभी मैंने आपको सिखाया ये करना है। आर्टिकल हमारे पास रेडी हो गया, अब बात आती है कि हमें इसको कहाँ पर सबमिट करना है और इसके थ्रू हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। अब हम गूगल पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये हमने सर्च किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं करोड़ों में रिजल्ट्स हैं जो कि इस बारे में हमें बता रहे हैं। तो ये कैसे बता रहे हैं, ये अपनी वेबसाइट के थ्रू बता रहे हैं। ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये सारी डिटेल दी गई है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। एक मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अब ये वेबसाइट मैंने खोली, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की सारी डिटेल दी हुई है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इनको क्या बेनिफिट हो रहा है ये लिखकर, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने इनकी वेबसाइट ओपन की, यहाँ पर एड्स चल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये एक ऐड चल रहा है, ये एक ऐड चल रहा है और नीचे आ जाएंगे तो नीचे भी और एड्स चल रहे हैं। तो ये ऐड के जरिए पैसे कमा रहे हैं, जितने ज़्यादा ऐड चल रहे हैं उतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखकर उसके जरिए पैसे कमाए जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर ऐड चलते हैं और ऐड के जरिए अर्निंग होती है। अब ये तमाम लोग अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करके उस पर ऐड के जरिए अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट की होस्टिंग खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती है, पैसे लगते हैं, तो ये काम हम नहीं करेंगे। अब हम फ्री में आर्टिकल्स कैसे पब्लिश कर सकते हैं और उसके ऊपर एड्स के जरिए अर्निंग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। गूगल ने हमें ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जिन लोगों के पास अपनी वेबसाइट नहीं है वो गूगल के ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पर आकर उस पर अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं और अपना एक ब्रांड क्रिएट करके अपने ब्लॉग के ऊपर जितने चाहें आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं और फिर उसके जरिए पैसे कमा सकते हैं। हम गूगल पर आए और यहाँ पर हमने लिखा ब्लॉगर, तो ये सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आ रही है blogger.com, ये वाली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वरना आप डायरेक्टली इसको गूगल से भी ओपन कर सकते हैं। ये ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल की तरफ से बनाया गया है, यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जितने चाहें आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं और उस पर एड के जरिए आपको अर्निंग होगी। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पब्लिश योर पैशन योर वे। नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि अर्न मनी गेट पेड फॉर योर वर्क, गूगल एडसेंस कैन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले रेलिवेंट टारगेटेड एड्स ऑन योर ब्लॉग सो दैट यू कैन अर्न इनकम बाय पोस्टिंग अबाउट योर पैशन। जिस टॉपिक के बारे में आप चाहें आप लिख सकते हैं, गूगल एडसेंस खुद से उस पर ऐड चलाएगा और ऐड के जरिए जो अर्निंग होगी उसका कुछ परसेंटेज एडसेंस रखेगा और बाकी की परसेंटेज आपको दी जाएगी। जिस तरह से YouTube पर ऐड चलते हैं और ऐड के जरिए यूट्यूबर्स को अर्निंग होती है, इसी तरह से ब्लॉगर पर भी ऐड चलते हैं और जो राइटर होता है जिसका ब्लॉग होता है उसको उसकी पेमेंट्स दी जाती हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है, आपको कहीं पर कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपने ब्लॉग पर जितने चाहें आर्टिकल्स पब्लिश करें और इसके ज़रिए अपनी पैसिव इनकम जनरेट करें। क्रिएट योर ब्लॉग पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने अपनी जीमेल आईडी का करेक्ट पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है ताकि आपकी जीमेल आईडी वेरीफाई हो सके। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा और गूगल आपसे कहेगा कि आप अपने ब्लॉगर अकाउंट को सिक्योर करने के लिए उसकी कोई वेरिफिकेशन कर लीजिए। ये चार ऑप्शंस आपके पास आएंगे, ऐड और कंफर्म योर रिकवरी ईमेल और फोन नंबर, ये सब चीजें आप करके अपने ब्लॉगर अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन ये सारे काम बाद में भी किए जा सकते हैं। तो अभी हम इसको नॉट नाउ पर क्लिक करके स्किप कर देते हैं।
फिर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपसे कहा जाएगा चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। आपने अपने ब्लॉग का नाम चूज करना है। अब आपका ब्लॉग जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है, अगर वो कुकिंग से रिलेटेड है तो कुकिंग से रिलेटेड आप उसका नाम चूज कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं। हेल्थ, फिटनेस, फैशन, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड आप अपना ब्लॉग का नेम चूज करेंगे। टाइटल लिखने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे कहेगा कि यूआरएल बताएं आप जिस पर आपका ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट किया जाए। तो ये जो मैंने अभी टाइटल लिखा था वही मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देती हूँ। अब जरूरी नहीं है कि वो अवेलेबल हो, समटाइम्स जो है यूआरएल अवेलेबल नहीं होते, तो आप उसके अंदर कोई एडिटिंग करके कुछ नंबर वगैरह ऐड करके उसको चेक कर सकते हैं, फिर जो अवेलेबल होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने इन्फो मेकर यहाँ पर लिखा तो ये कह रहा है कि ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 2023। अब ये देखिए, ये कह रहा है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, ये अवेलेबल है। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको डिस्प्ले नेम बताने को कह रहा है। जो भी आप अपने ब्लॉगर अकाउंट का डिस्प्ले नेम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप नीचे फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। ये आपका अपना ब्लॉगर का अकाउंट है, इस पर आप जितने चाहें ब्लॉग्स लिख सकते हैं, 1000, 2000, 3000 भी ब्लॉग्स लिख सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। जितने ज्यादा आप ब्लॉग्स लिखेंगे उतने ज्यादा आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा, यानी व्यूज आएंगे और आपकी अर्निंग होगी। अब इस पर ब्लॉग लिखने कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब आर्टिकल लिखने के लिए आप यहाँ न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये आपके पास पूरा ब्लैंक पेज आ गया, यहाँ पर आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। लेकिन ब्लॉग तो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा है। हम यहाँ आ जाएंगे स्पिन बोर्ड की तरफ और इससे जो हमने स्पिन करवाया था वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हम इसके अंदर मजीद हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आई, मैंने नीचे इसको स्किप किया, फिर मैं इसकी मेन हेडिंग ऐड कर देती हूँ जो कि मेरे टॉपिक का मेन टाइटल था। हाँ, मैंने लिख दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं आपको ऊपर दिए गए ये तमाम फीचर्स के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बी का फीचर है, बी का मतलब है बोल्ड। बी पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बोल्ड हो गया। जो सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उस पर ऑपरेट होगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया था, बी पर क्लिक किया, ये बोल्ड हो गया। आई पर क्लिक करेंगे इटैलिक हो जाएगा। यू पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है। ए पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर्स आपके सामने आ जाएंगे। आप अगर अपने टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड का। हम इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बैकग्राउंड का कलर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, अब जो लिखा हुआ था उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। मैं अगेन इसको व्हाइट कर देती हूँ क्योंकि ये व्हाइट ही अच्छा लग रहा था। आगे हमारे पास ऑप्शन है लिंक का। हम इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं वो अपने एक ब्लॉग के अंदर दूसरे ब्लॉग का लिंक ऐड करते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ताकि जब हमारा कोई ब्लॉग पढ़े तो वो इस लिंक पर जाए और नेक्स्ट ब्लॉग भी हमारा ओपन हो जाए। जितने ज़्यादा हमारे व्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी। तो इस ऑप्शन के जरिए आप अपने ब्लॉग में लिंक्स ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट इमेज का। इस पर क्लिक करेंगे तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं। बराबर वाले पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। स्माइल फेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो स्टिकर्स ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको हम सेंटर में ले आते हैं, सेंटर अलाइन पर क्लिक करके ये हमारे पास सेंटर में आ गया। उसके बाद आपने अगर पॉइंट्स ऐड करने हैं तो बुलेट्स का ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। फिर शुरू में यहाँ पर हमारे पास अंडू और रीडू का ऑप्शन आ जाते हैं। अंडू पर क्लिक करेंगे तो अंडू हो जाएगा, रीडू पर क्लिक करेंगे तो रीडू हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस को यूज करके आपने अपनी तमाम सब हेडिंग्स को इनहेंस कर लेना है, उनको बोल्ड इटैलिक करके उनको ज्यादा अट्रैक्टिव बना लेना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देती हूँ जिसके जरिए आप अपने ब्लॉग की एसईओ अच्छी कर सकते हैं, ताकि आपका ब्लॉग ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजर आए और इस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपका टॉपिक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग मेरा टॉपिक है, तो इस पूरे ब्लॉग के अंदर मैंने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज हो। एक आध जगह पर पूरा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग यूज हो जाए और बाकी जगहों पर ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग वाला लव्स यूज हो। जितना ज्यादा हमारा टाइटल हमारे ब्लॉग के अंदर यूज होता है उतनी ज्यादा हमारी एसईओ इंक्रीज होती है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके ब्लॉग को रैंक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं, इसलिए इन चीजों को जरूर याद रखिएगा।
फिर उसके बाद हम क्लिक कर देंगे पब्लिश पर। यहाँ पर हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे और हमारा ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लॉग यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। अब जैसे ही इस पर कमेंट्स आएंगे वो यहाँ शो होंगे, व्यूज आएंगे वो यहाँ पर शो होंगे। एक और चीज मैं आपको बताती चलूँ कि आप अपने ब्लॉग के अंदर पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पर पिक्चर्स भी ऐड कर सकती हूँ। हम गूगल पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इमेजेस। अब ये हमें डिजिटल मार्केटिंग से जो रिलेटेड इमेजेस हैं वो सारी हमें दिखा देगा। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर पिज्जा बी की वेबसाइट है, अनस्प्लैश की वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जो आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस देती हैं। आप इनके जरिए इमेजेस ले सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये अनस्प्लैश वाली वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ पर ये इमेज मुझे अच्छी लग रही है, मैं इस पर क्लिक करूंगी और इसको डाउनलोड कर लूंगी अपने पास। अब वापस हम अपने ब्लॉग की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर हम इंसर्ट इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ से अपनी इमेज वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इमेज मेरी यहाँ अपलोड हो गई है। अब उसके बाद मैं नीचे सिलेक्ट पर क्लिक करूंगी तो ये मेरे ब्लॉग में ऐड हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये इमेज मेरे ब्लॉग में ऐड हो गई है। हम इसे ड्रैग करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, वैसे इसका इमेज साइज बिल्कुल परफेक्ट है। प्रीव्यू पर क्लिक करके आप अपने ब्लॉग का पब्लिक व्यू देख सकते हैं कि इस तरह से आपका ब्लॉग गूगल पर शो होगा। जब कोई क्लिक करेगा तो उसके सामने इस तरह से आपका पूरा ब्लॉग शो होगा। ठीक है, अब वापस बैक कर लेते हैं और हम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारा ब्लॉग अपडेट हो जाएगा इस पिक्चर के साथ। इसके बाद आप यहाँ नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपके पास थीम का भी ऑप्शन आ जाएगा। आप थीम पर क्लिक करके यहाँ से अपने ब्लॉग की थीम भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करती हूँ तो ये थीम इस तरह से मेरे सामने आ रही है। मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगी तो ये मेरे ब्लॉग पर अप्लाई हो जाएगी। अब मैं नीचे व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से फिर हमारा ब्लॉग हमारे सामने नजर आएगा। इस तरह से आप अपने ब्लॉग को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फ्री में आप यहाँ पर टेम्पलेट चूज करके अपनी थीम चूज कर सकते हैं। अब आप सेम मेथड से डेली बेसिस पर कम से कम 10 ब्लॉग्स लाजमी लिखें। एक ब्लॉग लिखने में हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा उसको रेडी करने में, क्योंकि लिखा लिखाया आपके पास आ रहा है। आपने सिर्फ उसको एडिट करके प्रॉपर तरीके से पोस्ट करना है। आपका अपना ब्लॉग है, जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आप इसमें ब्लॉग पोस्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स लिखिए। जब आपके पास व्यूज अच्छे आने लग जाए उसके बाद आप यहाँ अर्निंग के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एडसेंस अकाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये आपसे आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने को कहेगा। आप यहाँ से अपना कंट्री वगैरह सिलेक्ट करके अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर उसको अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करेंगे और डायरेक्टली फिर आपकी पेमेंट्स आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। सबसे पहले आप अपने ब्लॉग पर ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट कीजिए ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। इसके बाद गूगल एडसेंस का ये सारा प्रोसीजर आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। वरना अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इस पर अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो इसका पार्ट 2 में बना दूंगी। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि आपकी अर्निंग कितनी होगी और कितने व्यूज पर आपको कितनी पेमेंट मिलेगी, तो ये बात हम आकर गूगल से ही पूछ लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गूगल हमें बता रहा है 1000 व्यूज पर एडसेंस हमें $2 से $5 तक देता है। 1000 व्यूज कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप टोटल 20 ब्लॉग भी लिखते हैं और एक ब्लॉग पर सिर्फ 50 व्यूज भी अगर आपके आ जाते हैं तो 1000 व्यूज आपके बन जाएंगे, जबकि 50 व्यूज कुछ भी नहीं है। एक एक ब्लॉग पर हजारों व्यूज आते हैं, डेली बेसिस पर आपकी अर्निंग होती रहेगी। $1 इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में 292 का है, तो अगर हम $2 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 584 रुपीज बन जाएंगे, और अगर हम $5 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे 1460 रुपए बन जाएंगे। ये जो $2 से $5 तक का जो एवरेज है वो इसलिए है क्योंकि जितना ज्यादा आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्लॉग होगा उस पर उतने ज्यादा महंगे एड्स चलते हैं, इसलिए उसकी अर्निंग ज्यादा होती है। इसलिए ये एवरेज आपको दिया है $2 से $5 का। जितना ज्यादा आपका यूजफुल कंटेंट होगा उतने ही ज्यादा महंगे एड उस पर चलेंगे, आपकी ज्यादा अर्निंग होगी। एक दिन में अगर आप $10 भी अर्न करते हैं तो आपके 2920 रुपए बन जाएंगे और आपकी टोटल एक महीने की अर्निंग 87,600 रुपीज बन जाएगी। ये मैं आपको मिनिमम अर्निंग बता रही हूँ, वरना ब्लॉगर पर लोग लाखों में अर्निंग करते हैं। ये मिनिमम अर्निंग है, जितना ज्यादा आप ब्लॉग्स लिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग इंक्रीज होती जाएगी। बस आपने यहाँ पर सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, बाकी सारा काम आपको गूगल एडसेंस खुद करके देगा। गूगल एडसेंस खुद ही उस पर एड चलाएगा और आपकी अर्निंग जनरेट होगी। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इस पर आप जरूर काम कीजिएगा। ये आपका अपना ब्लॉग होगा, जितना ज्यादा आप यहाँ पर लिखेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे। बेहतरीन तरीका है ये अर्निंग का, यहाँ से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप भी अपना ब्लॉग फ्री में क्रिएट कीजिए और उस पर काम कीजिए और अपनी अर्निंग जनरेट कीजिए। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी बहन को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अर्निंग मेथड के साथ। टिल देन ग्रो योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।